सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल क्वेश्चन बायोलॉजी क्लासेस पे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीआर जो टेक्नीशियन T1 का जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आपको काउंसलिंग करना है, कैसे आपको क्या करना है, ये सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि इसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको जो पहले से रेडी करके रखना है, क्या रखना है, नहीं रखना है, आपका मेडिकल कहाँ पे होगा, क्या होगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता दें कि अगर आप चैनल पे नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। गाइज, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तभी ये सब कीजिएगा, वरना आप डिसलाइक मार के चले जाइएगा। चलिए हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सभी बच्चे पूछ रहे थे रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट बता दें कि आपको अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में रिजल्ट का नहीं लेकर हम कुछ अलग बात करने आए हैं, डॉक्यूमेंट एंड आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना चाहिए, आपका मेडिकल कहाँ होगा, कैसे क्या होगा, ये सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बता दें कि डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या क्या लगने वाला है। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे SC ST कैटेगरी के लिए, जो भी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए बता दें कि आपको SC एंड ST कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट आता है, जो कैटेगरी के SC ST आते हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट आता है, हर एक व्यक्ति के लिए हर एक कैटेगरी का उनका कास्ट सर्टिफिकेट अलग अलग रहता है। तो SC ST को SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। वो आपको जिस समय आप वेरिफिकेशन करने जाइएगा वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करने के लिए बुलाएगा, वहाँ पे जब आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा कि आपका हो चुका है मेरिट लिस्ट में, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा देन आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उस समय इसका खोज करेगा। देन उसके बाद बात करते हैं OBC NCL, जो OBC NCL से बिलोंग करते हैं उनको OBC NCL का कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा वो January 1 के बाद बना रहना चाहिए, मीन्स January 1, 2022 के बाद बना हुआ रहना चाहिए, देन ही अप्लाई वहाँ पे आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको माना जा सकता है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो होगा वो 1 जनवरी 2022 के बाद का बना होना चाहिए, 2021 का नहीं चलेगा। एंड बात करते हैं EWS का, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं जनरल के लिए, वो क्या करेंगे अपना EWS सर्टिफिकेट से अगर अप्लाई किए होंगे, जो EWS के माध्यम से अप्लाई किए होंगे कि हाँ हम EWS से बिलोंग करते हैं, देन उनको EWS अपना बनवाना है। उनका क्राइटेरिया पता होगा कि आपका एनुअल इनकम 8 लाख से कम रहना चाहिए फैमिली का, वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन वो अपना EWS बनवा लेंगे अपने ब्लॉक से जाके। EWS बनवाने के लिए आपको बता दें कि सबसे पहले आपको डोमिसाइल, रेसिडेंशियल एंड इनकम सर्टिफिकेट एंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तीनों सर्टिफिकेट रहेगा, देन आपका EWS बनेगा, ठीक है। तो EWS बनवा के अपना रख लेंगे, आपका एनुअल इनकम बिलो देन 8 लाख रहना चाहिए, ठीक है। EWS वाले बनवा लेंगे EWS, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं डिसेबिलिटी से जो भी हैं, मीन्स जिनके बॉडी में कुछ डिसेबिलिटी है वो अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवाएंगे। सपोज दैट डिसेबिलिटी का मतलब करने का सेंस क्या होगा कि आपके बॉडी में मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, किन्हीं का हैंड के कारण कुछ दिक्कत हो रहा है, किन्हीं का आईज में कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो डिसेबिलिटी के तहत फॉर्म भरे होंगे देन डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट आप बनवा लेंगे। देन बात करते हैं PWBD, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वो अपना बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। तो देन यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट का बात हो गया, साथ ही आप अपना इनकम, रेसिडेंशियल, जाति, ये साथ कुछ साथ में रखिएगा ताकि इसका कभी भी जरूरत पड़ सकता है। ये चार चीज़, जाति, आवासीय, इनकम एंड EWS, ये सब जो होता है हमारा कभी भी जरूरत पड़ सकता है, जो ये सब सर्टिफिकेट होता है कैटेगरी का कभी भी जरूरत पड़ सकता है कहीं भी, ठीक है। देन आप बात करते हैं क्वालिफिकेशन नंबर का, क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको क्या चाहिए, किस कैटेगरी के लिए कितना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। आपका पहले सबसे पहले हम बता दें कि CVT मोड हुआ था रिटर्न टेस्ट में, देन 42% फॉर यूआर के लिए आपको 42% लाना पड़ेगा, 30% SC OBC NCL एंड EWS, ठीक है। EWS को देख लीजिए, जो EWS से अप्लाई किए होंगे उनको 10% छूट यहाँ पर मिला, ठीक है। एंड 25% फॉर ST के लिए सबसे लेस है 25%, ठीक है। गाइज, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या होगा, उसमें आपका एज का वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आपका जो एज है वो मैट्रिकुलेशन लेवल और आधार कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट से मैच करता है या नहीं करता है। साथ ही उसके बाद बता दें क्वालिफिकेशन मैच किया जाएगा कि आप कहाँ तक क्या किए हुए हैं, आप जो अप्लाई किए हैं वो सही है या नहीं है, आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट रहेगा उसके तहत मैच किया जाएगा, ठीक है।
देन उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास हुआ तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, मेडिकल फिटनेस का टेस्ट किया जाएगा। सपोर्टेड मान लीजिए जो भी बंदे जिस एरिया से उन्हीं के एरिया में उनका मेडिकल का टेस्ट होगा, जो मेडिकल अथॉरिटी बनाकर आपको सर्टिफिकेट देगी वही करेगी, सब कुछ वही करेगी, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। देन उसके बाद बात करें कि सारा डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रखना है आपके पास में। फर्स्ट आपका बात करें तो मैट्रिकुलेशन लेवल का जो सर्टिफिकेट होगा वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। देन आपका कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद सर्विंग डिफेंस पर्सन मीन्स जो इससे अप्लाई किए होंगे सर्विंग डिफेंस पर्सन वो अपना ये सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। PWD सर्टिफिकेट रख लेंगे जो भी इससे होंगे। EX सर्विस सर्टिफिकेट से जो अप्लाई किए होंगे उनके पास ये सर्टिफिकेट रहना चाहिए। आप साथ ही बता दें कि आपका रिजल्ट मान लीजिए आ जाता है अगले वीक में, इस वीक में। देन उसके बाद आपको क्या करना है, रिजल्ट आने के बाद आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है नहीं आया। उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में आपका ये सारा प्रोसेस होगा, ये इतना सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद मेडिकल होगा, ये सारा हो जाने के बाद आपको इंस्टीट्यूट में अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है गाइज। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम आपको वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।